एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। अगर आपके पास जियो का कीपैड फ़ोन है यानी कि जियो फ़ोन है तो उसके लिए कौन कौन से प्लान आते हैं, कितने रुपए के प्लान आते हैं, कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूं, यह प्लान सिर्फ और सिर्फ जो कि यहाँ पर जियो के कीपैड फ़ोन वाले प्लान जो कि जो फ़ोन है उसी में काम करेगा, यह स्मार्टफोन में वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपके पास जियो का फ़ोन है तभी आप जो कि यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जियो का कीपैड फ़ोन है तब। तो यहाँ पर एक प्लान आता है जियो में जो कि 75 रुपये का यानी कि 75 रुपीज़ का। इस प्लान को कराइएगा तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है जो कि 2.5 GB डाटा यानी कि 2.5 GB डाटा आपको मिल जाता है, जिसकी अगर कंडीशन की बात करें तो आपको रोजाना 100 MB डाटा आपको मिल जाता है यानी कि 0.1 GB डाटा आपको पर डे मिलता है। उसके साथ ही आपको 200 MB जो डाटा रहेगा आपको एक ही बार में मिल जाएगा। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर जो कि 23 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है आपको 75 रुपये वाले प्लान में जियो की पैड का जो फ़ोन है उसके लिए। वहीं एक प्लान आता है 91 रुपये का यानी कि 91 रुपीज़ का जो प्लान है जियो फ़ोन के लिए। उस प्लान की बात करें तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता है जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें डाटा की बात करें तो 3 GB डाटा आपको मिलता है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर 91 रुपये वाले प्लान में आपको यहाँ पर 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। वहीं एक प्लान आता है 125 रुपये का जियो फ़ोन के लिए, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता है जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें डाटा की बात करें तो 0.5 GB डाटा आपको पर डे मिलता है यानी कि 500 MB डाटा आपको रोजाना मिल जाता है जो कि 125 रुपये वाले प्लान में जियो फ़ोन के लिए। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 23 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है यानी कि 23 डेज की वैलिडिटी के साथ आपको 125 रुपीज़ का जो प्लान है वह जियो फ़ोन के लिए आपको देखने को मिलता है। एक प्लान आता है 152 रुपये यानी कि 152 रुपीज़ का जो प्लान है जियो फ़ोन के लिए। इसको कराते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता है जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपको 0.5 GB डाटा पर डे मिल जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 28 दिन की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें मैसेज की तो 152 रुपये वाला जो प्लान है इसमें आपको 300 मैसेज मिल जाता है एक ही बार में, जिसकी खपत चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं या जो वैलिडिटी मिलता है उतने दिन तक आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको नहीं बताया 125 रुपये वाला जो प्लान है उस प्लान में भी आपको 300 मैसेज आपको मिल जाता है एक ही बार में, जिसकी खपत चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं या जो वैलिडिटी मिलता है उतने दिन तक कर सकते हैं। पुनः एक प्लान आता है जियो फ़ोन के लिए 186 रुपये का यानी कि 186 रुपीज़ का। इस प्लान को कराइएगा तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो कि मिल जाता है 100 SMS प्रतिदिन 186 रुपये वाले प्लान में। इसमें आपको डाटा की बात करें तो 1 GB प्रतिदिन डाटा मिल जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि 186 रुपये वाले प्लान में 1 GB प्रतिदिन डाटा मिलता है और यहाँ पे हमें जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता है और 100 SMS प्रतिदिन मिलता है और तो हमें वैलिडिटी 28 दिन तक मिलता है, तो हो सकता है कि ये प्लान स्मार्टफोन के लिए भी हो। तो यहाँ पर नहीं, यह सिर्फ आपको 186 रुपये वाला जो प्लान है यह कीपैड फ़ोन के लिए ही अवेलेबल है। एक प्लान आता है यहाँ पर जो कि 223 रुपये का यानी कि 223 रुपीज़ का जो प्लान है जियो फ़ोन के लिए। इसको कराते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता है जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो कि मिल जाता है 100 SMS प्रतिदिन। डाटा की बात करें तो आपको यहाँ पर 56 GB डाटा यानी कि 2 GB रोजाना करके आपको डाटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी की बात करें 223 रुपये वाले प्लान की तो आपको यहाँ पर 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। वहीं एक प्लान आता है जियो में 895 रुपये का जियो फ़ोन के लिए। इस प्लान को कराइएगा तो इसमें आपको 2 GB रोजाना डाटा मिल जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो 336 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पर 895 रुपये वाला प्लान जो है इसमें तो अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा आपको मिलता ही है और यहाँ पर 50 SMS जो कि आपको 28 दिन के लिए मिलता है जो कि 12 सर्कल के लिए ऐसे है। तो रिचार्ज करने से पहले आपको चेक करना कि 895 रुपये वाला जो प्लान है जियो जो कि कीपैड फ़ोन के लिए, वह प्लान आपको यहाँ पर जो कि 28 दिन के लिए मिलता है या 336 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है, क्योंकि 12 ऐसे सर्कल हैं जहाँ पे आपको मात्र 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ही आपको जियो के 895 रुपये वाला प्लान देखने को मिलता है। तो यह थे कुछ जो कि जियो के कीपैड फ़ोन के प्लान्स।
आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा, क्या आपके यहाँ जियो का कीपैड फ़ोन है, आप जियो का कीपैड फ़ोन यूज किए हैं या नहीं किए हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।